उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा के प्रांतीय आह्वान पर जनपद इकाई वाराणसी द्वारा आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय वाराणसी पर धरना प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु एवं माननीय राज्यपाल मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री महानिदेशक मुख्य सचिव शिक्षा निदेशक एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को संबोधित 25 सूत्रीय मांग पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी के माध्यम से दिया गया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। शिक्षक महासभा के प्रांतीय आह्वान पर जनपद इकाई वाराणसी के साथियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें मुख्य रूप से जनपद के शिक्षकों की समस्याओं के साथ साथ पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षा विभाग का राजकीयकरण किया जाए, जैसे राजकीयकरण में ट्रांसफर पोस्टिंग और पदोन्नति होती है वैसे अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की व्यवस्था हो, साथ ही साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न विद्यालय हैं उन विद्यालयों में चिकित्सा भत्ता शिक्षकों ने के लिए व्यवस्था की जाए और संस्कृत विद्यालय के जो बोर्ड हैं उसमें भी आरक्षण व्यवस्था की जाए, CBSE बोर्ड के बराबर इसके सारे पारिश्रमिक दिए जाएं, चाहे परीक्षा मूल्यांकन का हो या कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी करने का हो, आदि तमाम समस्याएँ हैं। साथ ही साथ NPS का जो 10% सरकारी पैसा है वह उनके पासबुक में उनके खाते में जमा कराया जाए, इसको पत्र दिया क्या माननीय महामहिम राज्यपाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, शिक्षा महानिदेशक, प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री माध्यमिक और उनके साथ साथ शिक्षा निदेशक लखनऊ और माध्यमिक, इनके अलावा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को संबोधित 25 सूत्री मांग पत्र आज हम लोगों ने माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी के माध्यम से प्रेषित किया। कहां कहां के शिक्षक यहां पे आए थे? यहां जनपद वाराणसी के चारों कोनों से लगभग सभी विद्यालयों से प्रतिनिधित्व हुआ शिक्षकों का, और मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं कि एक छोटे से आह्वान पर दूर दराज से, और सबसे बड़ी बात ये सभी शिक्षक 2 बजे तक अपने विद्यालयों में शिक्षण कार्य किए हैं, उसके बाद यहां आकर के अपनी मांगों को जायज तरीके से संवैधानिक तरीके से यहां रखने का काम किया। मुख्य रूप से पुरानी पेंशन के संबंध में है जो शासन को भेजना है, मेरे द्वारा भेज दिया जाएगा, आश्वस्त करता हूँ भेज देंगे। इसमें क्या क्या मांगे हैं प्रमुख? मुख्य रूप से 1 अप्रैल 2005 से जो नियुक्त है पुरानी पेंशन बहाल करने का है, और जो 2023 चयन आयोग के जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत उसको यथावत रखने का हो रहा है, मुख्य बिंदु यही है। सर आए दिन देखा जाता है कि यहाँ पर लोग जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, आखिर इसकी समस्या क्यों आ रही है? नहीं, ये समस्या यहाँ स्तर की नहीं है, इनकी मांग ऊपर शासन का है, इनके प्रदेशीय आह्वान पर है, न कि जिले की समस्या है, प्रदेशीय आह्वान पर निर्णायक चीज है, शासन के स्तर के। ठीक है सर।